जी बताइए आप यहाँ कब से हैं? मुझे सर यहाँ हो गए, मैं यहाँ सर 8 बजे से हूँ। क्या हुआ था पूरा घटना? ये तो मुझे पता नहीं है, मैं तो काम पे गया था, काम से आया था सर। जब मुझे पता चला कि कुएं में कुछ लोग गिर गए तो मैं देखने आया, मेरे मित्र वगैरह भी इसमें धसे हुए हैं। सर इसमें देखे तो मैंने भी नहीं, लेकिन मेरे मित्र लोगों ने बताया कि 25 से 30 लोग इसमें धसे हुए थे, जिसमें से 4-5 लोग तो अपने आप तैर के निकल चुके हैं, बाकी कुछ लोग अभी भी उसमें 25 से 20 लोग अभी भी उसमें अंदर हैं। सर ट्रैक्टर चला गया, 5 मोटर भी उसमें गिर चुकी हैं। जी अब हेलो जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही, जितनी लापरवाही प्रशासन की है इतनी कहीं किसी और की नहीं रही है। प्रशासन 6:40 की ये घटना है जिसमें प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुँचा है 8 बजे और जिसमें विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं 9:30। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर 9:30 पहुँच रहे हैं, जबकि विदिशा से SP, कलेक्टर और हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं वो सभी लोग आ गए, पर विधायक हमारे प्रभारी मंत्री के आने के तुरंत पहले पहुँचते हैं। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे प्रशासन की है, और जिस तरह से एक मशीन से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एक मशीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, इससे ये पॉसिबल नहीं है। एक मशीन से पानी निकालने में और पब्लिक को रेस्क्यू करने में बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए यहाँ पे 2-3 इंजन वगैरह के प्रबंध करना चाहिए था मैनेजमेंट को, ताकि यहाँ पे जल्दी रेस्क्यू हो सकता। अब इस रेस्क्यू से बहुत, अब जो लोग अंदर 4 घंटे से पानी में हैं वो ऑलमोस्ट डेड ही हो चुके होंगे। 5 घंटे बहुत होते हैं पानी में, और ये 6:30 से 11:30 बज गए हैं। अब 5.5 घंटे अगर कोई पानी में रहेगा तो उसके जीवित रहने की संभावना ना के बराबर है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा RCC का जो मलबा गिरा हुआ है तो वो उससे भी दबा हुआ है, ट्रैक्टर भी दबा हुआ है। ये डबल से भी एक बार इसमें RCC गया, उसमें ट्रैक्टर चला गया, जब रेस्क्यू चल रहा था इसी दौरान कुएं का जो मलबा था वो वापस से उस कुएं में गिर गया था, जिसमें और 4-5 लोग पुलिस के भी धसे थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अब चूंकि ट्रैक्टर है और जो ट्रैक्टर के नीचे जो लोग दबे हुए होंगे उनका क्या होगा, इसके लिए तो भगवान ही मालिक है। देखिए स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल है। जुगल ये जो बात कर रहे थे ये स्थानीय लग रहे हैं, इनसे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, कुआं किस तरह का था, कच्चा था, पक्का था, कितना पुराना था? सर कुछ सर 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 इस मामले में कुछ स्थिति स्पष्ट अगर हो पाई हो तो थोड़ी देर में स्पष्ट की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस नंबर्स के बारे में अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। कोई बंद नहीं है, रेस्क्यू कार्य चल रहा है, रेस्क्यू कार्य चल रहा है। पाँच दस मिनट में पहुंचने वाले इंडिया, 5 या 10 मिनट में पहुंच रहे, 14 लोग अस्पताल में हैं और 2 लोग उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान जो गिरे थे वो भी शामिल है, 14 लोग अस्पताल में हैं। अब मैं, मेरा कृपया निवेदन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अर्थ मूविंग मशीनरी है वो बड़ी मशीनरी है, वो इस तरफ आगे चढ़ना है, उसके लिए जगह बनाने के लिए मेरा निवेदन है कि आप भी थोड़ी दूर बैरिकेड के उस तरफ पहुंच। जो प्रत्यक्षदर्शी है उन सबसे बात की जा रही है, और गांव में हर घर में जाके कौन मिसिंग है, कौन यहां घटनास्थल पे उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी की जा रही है। इसलिए थोड़ा आप संयम रखें, पूरी जानकारी अधिकृत रूप से सही जानकारी दें। नो चलिए ओके, अब जिन्ना लोगों की बात करो यार, चलो रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल पीछे हो जाइए, रिक्वेस्ट है आपसे। तो सर को भी और बात है। जी 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 आप सारी